और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर नैनीताल से हमें मिल रही है। दिवाली पर कारवर टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वन कर्मियों को सघन चेकिंग और गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिवाली को लेकर कारवेट लैंडस्केप में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वन कर्मियों की छुट्टियां भी इसकी वजह से रद्द कर दी गई हैं। कारवेट टाइगर रिजर्व, तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग में वन कर्मियों को सघन चेकिंग और गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली पर उल्लू और जंगली जानवरों के शिकार की आशंका बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर क्षेत्र में अधिक संवेदनशीलता है। यहाँ पर ये इलाके जो है काफी ज्यादा संवेदनशील है और इसी को लेकर जो है वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। सीटीआर निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि वन कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया वन क्षेत्र की सीमाएं खुली होने की वजह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं नैनीताल, जहां पर जो है वन विभाग के कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर जो है ऐसे समय में दिवाली के समय में काफी ज्यादा शिकार की संभावना रहती है और इसी को लेकर वन कर्मियों की फिलहाल छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कार्बेट लैंडस्केप में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और इसके तहत वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो सीटीआर निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया वन कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो दिवाली का समय है ऐसे में उल्लू और अन्य जंगली जो जानवर हैं उनके शिकार की काफी ज्यादा संभावना यहाँ पर पड़ जाती है और इसी को देखते हुए जो है हाई अलर्ट यहाँ पर कार्बेट लैंडस्केप में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी को देखते हुए वन जो कर्मी है उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई है।